दोस्तों काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो है 17वीं किस्त कब आने वाला है, 17वीं किस्त जो है कब आने वाला है। तो इसका जो है डेट लाइन जो है जारी हो चुका है, इसका डेट लाइन जो है जारी हो चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो 17वीं किस्त का डेट लाइन जो है जारी हो चुका है। तो इसका डेट लाइन जो है क्या रखा गया है, तो हम देख सकते हैं, हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ट्विटर अकाउंट पर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का हस्तांतरण जो है 18 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से किया जाएगा। मतलब कि आपका जो है 18 जून को 17वीं किस्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आपका किया जाएगा, मतलब कि वहाँ से शुरू होगा, उसके बाद सभी जिला में, सभी राज्य में बांटा जाएगा, सभी राज्य में हस्तांतरण किया जाएगा। तो जिसमें किसानों को यह किस्त डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, मतलब कि डीबीटी के माध्यम से आपका डायरेक्ट खाता में आपका चला जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब कि आपका डीबीटी के माध्यम से आपका डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। मतलब कि अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार के साथ सिटी नहीं है तो ऐसे में अपना बैंक में जाकर करवा लेना है। अगर आपके बैंक में आधार के साथ सिटी नहीं है ऐसे में आपको तो पैसा नहीं आएगा, ऐसे में आपका पैसा जो है नहीं आने वाला है। डीबीटी ये होता है कि आपका आधार से ही आपका डायरेक्ट आपका बैंक में पैसा डाला जाता है, आधार के माध्यम से आपका डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट पे पैसा चला जाएगा। जिसमें आपका मान लीजिए आपका दो खाता खुला हुआ है तो ऐसे में आपका दो खाता खुला हुआ है तो आधार के साथ जो भी आपका बैंक में सीटिंग रहेगा तो उसी में आपका पैसा चला जाएगा आधार से जो सीटिंग रहेगा उसी में आपका पैसा चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रख लेना, अगर आपका आधार के साथ सीटिंग नहीं है तो ऐसे में आपको करवा लेना है। ऐसे में आपको हम वीडियो बना दिए हैं कि किस तरह से आप करा सकते हैं और किस तरह से आपको आधार को सीटिंग का चेक करना है, तो इसका डिटेल वीडियो हम पहले बना दिए हैं। तो इसका लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए महत्वपूर्ण जानकारी को समझें कि क्या क्या प्रक्रिया के बाद आपका अपना स्टेटस को चेक कर लें, ये और कोई डिटेल गड़बड़ तो नहीं है, और अपना स्टेटस को चेक कर लें या आपका कोई और डिटेल तो गड़बड़ नहीं है। तो चलिए हम स्टेटस को कैसे चेक करना है उसके बारे में हम समझते हैं। चलिए हम अपने स्क्रीन पर हम चलते हैं, आपको विस्तार से हम समझाते हैं। सम्मान निधि की योजना का वेबसाइट पर आ जाना है, तो वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले आप अपना स्टेटस को चेक कर लें कि आपका सभी स्टेटस जो है सही है या नहीं। पहले अपना स्टेटस को चेक कर लें, अपना डिटेल को चेक कर लें कि आपका EKYC हुआ है या नहीं, आपका आधार से सीडिंग है या नहीं, तो आपको ये पूरी जानकारी पहले देख लेना है। तो आपको किस तरह से देखना है, तो यहाँ से आपको मिलता है नो योर स्टेटस का ऑप्शन। तो जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको नो योर स्टेटस का इस तरह से आपको पेज खुल कर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं नो योर स्टेटस पीएम किसान, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं पता है तो यहाँ से नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मोबाइल नंबर मांगता है, जो अभी आपका मोबाइल नंबर रहता है आपका पीएम किसान सम्मान निधि में जुटा हुआ, यहाँ पर डालना है और यहाँ से कैप्चा फिल करके गेट मोबाइल पर OTP पर क्लिक करना है, गेट मोबाइल पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर गेट मोबाइल OTP पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर पर OTP जाता है। तो अपना OTP को डालकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को आप देख सकते हैं, और यहाँ से आधार नंबर से भी आप देख सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी देख सकते हैं, आधार नंबर से भी देख सकते हैं। तो अगर आप आधार नंबर से देखना चाहते हैं तो यहाँ से आधार नंबर सेलेक्ट करके यहाँ से आधार पर नंबर से भी देख सकते हैं। यहाँ से मोबाइल नंबर से देखना है तो मोबाइल नंबर को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। चलिए अब यहाँ से हम अपना मोबाइल नंबर को यहाँ से हम फिल कर लेते हैं, सकते हैं हम अपना मोबाइल नंबर और कब्जा को फिल कर देंगे, उसके बाद गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो मोबाइल जो रजिस्टर मोबाइल नंबर रहता है उस पर आपका OTP जाता है। तो यहाँ से अपना OTP को डालेंगे, OTP को डालने के बाद यहाँ से गेट डिटेल्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो OTP डालने के बाद यहाँ से गेट डिटेल पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका BSV रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से आपका शो कर देता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका इस तरह से शो करता है और यहाँ पर आपका नाम ही दिया रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम इसका रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं। तो फिर से आपको होम पेज पर आ जाना है, उसके बाद यहाँ से नो योर स्टेटस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देना है। यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है नो योर स्टेटस पर क्लिक करें।
तो ये रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिल कर लेना है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी निकला है, रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है। कैप्चा को डालने के बाद यहाँ से गेट ओटीपी वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी वाले विकल्प पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका लोडिंग लेता है और आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है, तो अपना ओटीपी को इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ से गेट डाटा पर क्लिक करना है। तो गेट डाटा पर आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका पूरा इस तरह से आपका डाटा दिखाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी लोडिंग ले रहा है, देख सकते हैं पूरा स्टेटस जो है इस तरह से आपका आता है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहता है, यहाँ पर नेम ऑफ फार्मर मतलब कि आपका नाम रहता है, और यहाँ पर फादर सपोज नेम, यहाँ पर आपका एड्रेस रहता है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आता है एलिजिबिलिटी स्टेटस, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है एलिजिबिलिटी स्टेटस। यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ से एरो पर, जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस में हम देखेंगे तो यहाँ से लैंड सीडिंग जो है यहाँ पर देख सकते हैं यस है, और ई केवाईसी स्टेटस भी जो है यस है। यहाँ पर देख सकते हैं आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी जो है यस है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये इस तरह से आपका सभी चीज़ रहता है, यहाँ पर इस तरह से सभी में यस यस इस तरह से आपका टिक रहता है, तो आपका तभी आपका पैसा आएगा। अगर आपका ई केवाईसी मान लीजिए आपका नहीं हुआ है, ई केवाईसी आपका मान लीजिए नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपका इस ई केवाईसी नहीं हुआ होगा तो आपको इसमें भी आपका पैसा नहीं आने वाला है। और यहाँ पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस जो है यस रहेगा तभी आपका पैसा आएगा, मतलब कि आपका आधार से बैंक के साथ सीडिंग होना चाहिए, आधार के साथ बैंक सीडिंग होना चाहिए, दोनों आधार के साथ बैंक सीडिंग होना चाहिए। अगर आप नहीं कराएं अपना बैंक में जाकर, यहाँ पर नो दिखा रहा है, तो अगर आपने जाकर अगर आप नहीं करवाए तो जाकर अपना बैंक में करवा लेना है। तो जैसे आप बैंक में जाकर करवा लेते हैं तो यहाँ पर आपका 15 डेज के बाद आपका जो है यहाँ पर आपका इस तरह से आपका यस दिखाएगा, यहाँ पर इस तरह से आपका यस दिखाएगा। अगर आप अपना स्टेटस को दोबारा से आप चेक करते हैं तो इस तरह से आपका यस दिखाता है, तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ से लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स आप मत देख सकते हैं, मतलब कि आपका किस तारीख को पैसा आया है, कितना किस्त तक आपका पैसा आया है, तो यहाँ से आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से जैसे कि हम बर्मा इंस्टॉलमेंट को देखते हैं, इस तरह से यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर लोडिंग लेता है इस तरह से। यहाँ पर जो भी आपका बैंक में गया होगा, बैंक नेम आता है, अकाउंट क्रेडिट नेम, यहाँ पर क्रेडिट, और यहाँ पर यूटीआर नंबर भी दिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस, टेलमा 13 इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, अपना देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट डिटेल को पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट डिटेल को तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से अपना इंस्टॉलमेंट डिटेल को, कब कौन सा किस्त आया है, इस तरह से अपना डिटेल को देख सकते हैं कि आपका कौन सा बैंक में आपका पैसा जा रहा है। यहाँ से आप ये भी डिटेल को यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपको सभी डिटेल इस तरह से मैच होना चाहिए तभी आपका पैसा आएगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है। या आपको सभी डिटेल इस तरह से आपका यस रहेगा तभी आपका बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, जो भी आपका आधार के साथ सीडिंग रहता है उसी भी बैंक में आपका पैसा जाएगा, क्योंकि आप जो है आपका डायरेक्ट आधार के माध्यम से आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आपका पैसा डाला जाता है। आपका कहीं पर भी आपका अकाउंट नंबर अकाउंट डिटेल नहीं मांगा जाता है, सिर्फ आपका डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में डाला जाता है आधार के माध्यम से, इसलिए आपका आधार से बैंक सीडिंग कराना अवश्य हो गया है। अगर आप नहीं कराते हैं तो ऐसे में आपका पैसा नहीं जाने वाला है, ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो आपको उम्मीद होगा कि आपको ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगे हो, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं।